चलिए आज की मुरली देखते हैं, आज की मुरली सुनते हैं। आज बाबा, आज की जो मुरली है, आज तो बाबा ने माया के माया से दूर रहने की आज की प्रेजेंट मुरली में बताया है। तो जिससे पहले हम उस पे जाएं, आज जो सेलेक्टेड अव्यक्त मुरली है, पहले इसको समझते हैं ना, इसकी स्टडी करते हैं। तो ये मुरली का टाइटल है, खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में ना आओ। ना, खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में ना आओ। तो बाबा कहते हैं कि माया किसी भी रूप में आए, किसी भी रूप में आए अच्छा, किसी भी रूप में आए तो अच्छा। मोह के रूप में आती है तो कैसे इसको देखना है। तो बाबा कहते हैं, मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। ये तरह तरह के खेल हर सेकेंड अंदर में चलता है, मुंह का, लोभ का, ये सब खेल अंदर में चलता है, मगर दिखेगा किसको? दिखेगा सिर्फ उस आत्मा को जो उस खेल में इन्वॉल्व नहीं है ना? तो ये भी ऐसा भी है कि दिखता भी हमें तभी है जब हम उससे अलग हैं। जैसे कई बार लोग आदत होती है कोई अंगूठी पहनने की, कोई चश्मा पहनने की, है ना, तो वो पहन कर भी उसको ढूंढते हैं, पहन कर भी उसको ढूंढेंगे कि कहाँ गया मेरा फोन, या कहाँ गया मेरा चश्मा, मेरी अंगूठी कहाँ है ना? जब हमने उसको पहना हुआ है और अलग होने का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उससे अलग हूं ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, पता हो सकता है, पता है कि अंगूठी से अलग हूं, मेरा हाथ उससे अलग है, मगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो रहते हुए भी उसको ढूंढेंगे, क्योंकि सेपरेशन का फीलिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है ना? तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए बीच बीच में बहुत जरूरी है कि हम अपनी फीलिंग में आए, अपने अपने स्वरूप में बिल्कुल स्थित हो, बाहर के डिस्ट्रैक्शन से भी हटकर, फिर होगा कि हम निरंतर उसको कर्म में भी कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में ना आ जाओ। तो जैसे क्रिकेट है या फुटबॉल है, कोई खेल होता है, तो उसमें बॉल उधर से आती है ना, और क्रिकेटर बैट्समैन उठाता है, बॉल को हिट करता है, तो जहां जहां बॉल उड़ के जा रही है वो नहीं उड़ के जाता है ना, बॉल बाउंड्री तक जा रही है तो वो भी उधर तक उड़ के जाने लगे, ऐसा नहीं होता है। एक चीज आती है, ये उधर खड़ा हुआ है, बैट्समैन खड़ा हुआ है, और वो उसको दिशा देता है ना? तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि खेल, आप खड़े रहो, आत्मा खड़ी है, स्टिल है, और बिल्कुल स्टिलनेस से देख रही है। तो यहां से माया की बॉल आई तो उसके साथ नहीं गए ना, उसको दिशा दी, उसको हटाया भी नहीं, उसको भगाया भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो चली जाए क्यों आ गया, है ना, ये बंदर क्यों आ गया। जब खेल होके देख रहे हैं तो वो खुद ही बॉल चली जाएगी, हमारा जो प्रेजेंस है वो ही एक बैट का काम करेगी, वो उसको दिशा दे देगी, है ना? तो बाबा कहते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं कि उनको ऊंचा भी चढ़ाएंगे फिर नीचे भी लाएंगे, है ना, बच्चे को, कितने छोटे बच्चे को ऐसे हवा में उड़ाते हैं ना, ऊपर चढ़ाते हैं नीचे भी लाते हैं, तो वो तो हंसता है बच्चा, बहुत हंसता है ना? तो ये मनोरंजन है, खेल है, बच्चे का कंप्लीट, उसको आइडिया भी नहीं है कि मैं नीचे गिरूंगा तो क्या होगा, है ना, उसको ऊपर उछाला जा रहा है वो ही उसके लिए एंटरटेनिंग है, क्योंकि बच्चा बच्चे की रीति से सोच रहा है,
ना, वो बहुत आगे का, आगे का, हाँ, प्रेजेंट में है ना, उसका एक्सपीरियंस और पास्ट का, फ्यूचर का, उस आधार पे नहीं। बच्चा एकदम इनोसेंटली है, उसको कोई ऊपर नीचे कर रहा है और वो आराम से हंस रहा है। तो यही है कि वो जब प्योरिटी है, जब इनोसेंस है, तो आत्मा का जो वो प्योरिटी, उस इनोसेंस से ये माया के ऊपर नीचे वाले खेल आते हैं। तो ये भी नहीं होगा कि अभी क्या हो जाएगा, अभी तो गिर गए तो क्या होगा ना, ये सब भी आइडिया नहीं है। जब वो अंदर प्योरिटी है, वो इनोसेंस है, तो बाबा कहते हैं कि कोई भी रूप में आए, ये मिक्की माउस का खेल देखो, ये निराकार शिव, निराकार शिवा, उनके महावाक्य हैं कि ये वो बोलते हैं कि कोई भी रूप में आए तो ये मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वो जाता भी है। ये है हाईलाइट ना, ये है हाईलाइट, ये सबसे अच्छा जगी हुई आत्मा के लिए। ये जैसे ना मन मना भव कहते हैं ना, मन मना भव वशीकरण मंत्र है ना, बिल्कुल माया को बिल्कुल वश कर लेने का मंत्र है ना? ये है वो मंत्र, मन मना भव माना, कि जगी हुई आत्मा को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो भी चीज आती है वो जाती भी है। माया किसी भी रूप में आती है, तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। फुटबॉल भी है, उसमें बॉल को पास कर रहे हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड बॉल मेरे पास है, उसको हम आगे पीछे ड्रिबल कर सकते हैं, फिर एक हद के बाद हमें उसको देना ही है दूसरे प्लेयर को, है ना, वो आगे ही जाएगी। कोई भी प्लेयर सदा बॉल को अपने साथ रख के नहीं आ जा सकता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि इवन खेल में यही होता है कि बॉलर ने बॉल डाली ना, बैट्समैन ने उसको दिशा दी, तो आई है तो जाएगी भी, आई है तो गई भी, तो अभी अभी आती है, अभी अभी जाती है। तो आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले ना जाओ ना, बॉल आ रही है तो बॉल को देख के पीछे पीछे भागने नहीं लगो, ऐसा छोटे बच्चे करते हैं ना, कोई गेम चल रहा है, 4 5 लोग खेल रहे हैं, तो वो आएगा, वो सीधा बॉल के पास उसको लेके उसको जाने की कोशिश करेगा ना? तो इसीलिए आई है तो जाएगी ना, आप साथ क्यों जाते हो? तो आत्मा खड़ी हुई है, आत्मा मतलब बिल्कुल स्टिल है, देख रही है कि अभी ये वाला थॉट आया ना, ये वाली फीलिंग आई, आई है तो जाएगी भी, ठहरने कुछ भी नहीं वाला, एवरीथिंग इज अ पासिंग सीन, पासिंग एनर्जी ना, पासिंग एनर्जी है, पासिंग सीन है, स्थिर नहीं है, जाने वाली है ना, लेकिन वो जो जाने वाली एनर्जी है, जाने वाली सीन है, उसको आत्मा अगर पकड़ ले तो वो कितना कुछ उसमें ठहर के कितना कुछ बोल भी सकती है, कर भी सकती है ना, और फिर बाद में लगेगा कि वो देखो वो तो एनर्जी आई और चली भी गई, वो थॉट आया और चला भी गया, वो फीलिंग आई और चली भी गई, इसीलिए वो सब पासिंग है ना। आत्मा की सत्य स्वरूप के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ आएगा तो जाएगा भी। तो आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति में चले ना जाओ, माया को जाने दो, आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही ऐसे है कि कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा, तो खेल में ऐसे ही होता है कि कुछ आता है कुछ जाता है कुछ बदल जाता है। अगर सीन बदली ना हो तो खेल तो अच्छा ही नहीं लगेगा, खेल अगर बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा ना। इसीलिए बाबा ने यहाँ पे बात करी कि मिक्की माउस का खेल समझकर देखो, है ना, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, वो तरह तरह तरीके से आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं ना, सीन टू सीन में कभी ये आएगी कभी वो आएगा, आएगा रहेगा नहीं। तो ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है कि सोल को अपने साइलेंस का, अपने साइलेंस की वैल्यू करनी है ना, अपने साइलेंस की वैल्यू पता हो कि ये है परमानेंट।
ये जो मेरी स्थिति है ये है परमानेंट। इसके अलावा मन के सारे खेल आएंगे जाएंगे ना, ये जो भी इसमें से हमें नहीं अपने को इसमें इसमें फ्लो नहीं करना है, पासिंग चीजों में फ्लो नहीं करना है। जो चीज ठहरने नहीं वाली है, जो एनर्जी उसके साथ हमें बहना नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी सीन आती है वो बदलनी जरूर है, जो भी सीन आती है वो बदलनी जरूर है। ये एकदम जिसको ये चीज बिल्कुल बैठ जाए ना, जो इसको फील करे ना, पहले तो उसको फील करना, एक्सपीरियंस करना, कैसे बाबा क्यों सत चित आनंद स्वरूप है, क्यों हमेशा सत्य में है, हमेशा सत्य में है। पासिंग जो एनर्जीज हैं बाहर की, पासिंग जो सीन्स हैं उसके साथ बह नहीं रहा है। ये है रॉयल्टी, ये है डिविनिटी ना, कि आई एम स्टिल अपने अपनी स्वरूप में स्थिर है ना, स्थैर्यम अवस्था इसको कहते हैं ना, बिल्कुल स्थायी। तो एकदम इसमें स्टिल है, ये रॉयल्टी है। कितनी बार परमात्मा बाबा को कोई भक्त तो कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भगवान तो एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ भी दुनिया में तरह तरह के मन जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अगेंस्ट में बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, कुछ नहीं। वो अपनी रॉयल्टी, अपने स्टिलनेस में, अपने बिल्कुल सत्य स्वरूप में है, और वो आनंद स्वरूप में है। उनकी फीलिंग्स, उनका एक्सपीरियंस आनंद का है। जो ब्लेम कर रहा है मन, जो कर रहा है ना, उससे वो अलग है। तो ये है परमात्मा की परफेक्ट स्थिति का ना, सदा की निरंतर स्थिति का राज, कि उसको ड्रामा का ये राज पता है कि जो कुछ आता है वो जाता भी है, हर चीज बदलनी है। अगर सीन बदली ना हो तो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो माया भी किसी भी रूप में आए, जो भी सीन आती है वो बदलनी जरूर है। तो माया आती है अंदर से ही आती है, अंदर से बाहर घूम घूम के लाती है, अंदर आती है। तो अंदर में ही उसको अगर उसके साथ बहे नहीं तो बाहर तो फिर वो आएगी नहीं ना, या आएगी भी तो बाहर तो बहने का चांस ही नहीं है। आत्मा बिल्कुल अपने स्टिलनेस में है, लेकिन अगर अंदर में आई और उसमें बह गए, उसमें क्वेश्चन में चले गए, डाउट में चले गए, तो फिर बाहर तो फिर डेफिनेटली होना है। बाहर से कोई कुछ करेगा तो फिर तो डेफिनेटली है ना। तो जैसे मैं आत्मा अपने इंटरनल आंतरिक जगत के साथ डील करती हूं, मैं आत्मा इधर कितनी पेशेंट हूं, इधर कितनी स्थिर हूं, उतना ही वो बाहर दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होता है। अपने अंदर में जो हलचल होगी, ऊपर नीचे होगा, वैरायटी किस्म के थॉट आएंगे, फीलिंग आएंगे, इसमें जो आत्मा स्टिल है, दृढ़ है अपने सत्य में, स्थिर है अपने सत्य में, तो वो बाहर में भी ऊपर नीचे जब होगा तो उसमें भी रहेगी। सो प्रैक्टिस, टीचर किधर है? सोल इज अ टीचर, किधर? सोल टीचर है अपने अंदर में जो चल रहा है ना, इनर इनर किंगडम में जो है। तो जैसे परमात्मा आत्मा के लिए टीचर है, ऐसे आत्मा अपने इनर किंगडम के लिए टीचर है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तो सीन बदली रहे, बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले, क्योंकि यही सत्य है, सत्य नहीं बदलेगा। जितना मैं सत्य में हूं उतना मुझे फील होगा कि आई एम नॉट चेंजिंग, बट जितना मैं मन के वश में हूं उतना आई विल फील कि मैं तो मूडी हूँ, मेरा तो सब बदल रहा है, मुझे तो अभी ये लगा, अभी मुझे ये लग रहा है। जितना मन के इन्फ्लुएंस में है सोल, मन के इन्फ्लुएंस से अपने इन्फ्लुएंस में आना है, सोल के इन्फ्लुएंस में, सोल की फीलिंग में स्टेबल होना ना? मन की फीलिंग में को लग रहा है ये मेरा, मेरा मूड, मेरा फीलिंग, मेरा ये, मेरा थॉट है ना, तो फिर अपने श्रेष्ठ स्थिति का एक्सपीरियंस नहीं होगा।
लगेगा ये बदलने वाली है, ये मेरी स्थिति है ना, वो तो मेरी स्थिति ही नहीं है, वो तो मन की स्थिति है, मन के स्टेजेस हैं। मन के स्टेजेस से आत्मा अपने को जज कर रही है कि मेरी स्थिति क्या है ना, तो हमारा तो जजमेंट क्वेश्चन पेपर ही डिफरेंट चल रहा है फिर। सो मन की स्थितियां बदलती हैं, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। आत्मा बहुत समय से मन के स्थिति के इन्फ्लुएंस में रही है, तो इसीलिए उसको फील होता है कि मैं सतो प्रधान, फिर मैं सतो, फिर मैं रजो में आती हूँ, फिर मैं तमो में आती हूँ, मैं तमो प्रधान ना। अभी तक ये चला है क्योंकि मन की स्थिति के इन्फ्लुएंस में रही है, नॉलेज नहीं थी ना, कहीं पे भी नॉलेज नहीं थी। अब परमात्मा आके बताते हैं कि जैसे मैं सत्चित आनंद स्वरूप हूँ, तुम भी वैसे ही हो अभी तक। हाँ, तुम रहे हो सतो प्रधान, सतो रजो तमो में, अभी तक तुम्हारा ये हुआ है ना, क्योंकि जो मैं मुझे आत्मा ने फील किया है वो ही परमात्मा मुझे बता रहे हैं कि अभी तक तुमने ऐसे किया है। नाउ यू सी कि ये सारी स्टेजेस मुझसे अलग हैं, ये स्थितियां हैं मन की। जब आत्मा सत्य स्वरूप है तो सत्य बदलता है क्या? अभी तक भ्रम में रहे हैं कि मैं बदल रही हूँ ना, लेकिन अब आत्मा को नॉलेज मिली है कि तुम्हारा स्वरूप सत्य है, तो अब आत्मा इसमें दृढ़ होती है कि मैं नहीं बदलती रहती हूँ। आत्मा का मतलब ही सत्य स्वरूप, सत्य आत्मा, तीन चीजें सत्य है ना जो कभी नहीं बदलती, परमात्मा, आत्मा और ये ड्रामा ना। इस ड्रामा के सारे जो ओवरऑल बिग पिक्चर में ये ऐसे ही रिपीट होता है ना, उसके डिटेल्स में इट कीप्स चेंजिंग, बट वो जो चेंज है वो वैसे ही। ये जूम कॉल ऑस्ट्रेलिया टाइम 6:02 पे अभी टाइम हो रहा है, नजर गई तो ऐसे ही होगा नेक्स्ट टाइम, यू नो। सो इसीलिए सत्य मतलब कि इट विल नॉट चेंज, नेक्स्ट टाइम भी इट विल नॉट चेंज। तो अभी तक आत्मा एक इल्यूजन में रही है कि मैं, क्योंकि मन के इन्फ्लुएंस में रही है, तो जैसे जैसे मन की स्थिति वैसे वैसे मैं अभी तक उसके साथ फ्लो कर रहे हैं। नाउ द सोल नोज कि अब आत्मा को पता है कि ये बदलता रहेगा, इसकी स्थिति मेरी स्थिति नहीं है, मेरा अलग है। तो अपने अपने प्योरिटी में आने से अब इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है इनर किंगडम में ना, और इसीलिए फिर मन का सतो प्रधान स्टेज, प्योरेस्ट स्टेज बनती है। सो बाबा कहते हैं कि जो भी सीन आती है बदलनी जरूर है, तो सीन बदलती रहे लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने या दौड़ने लग जाएंगे क्या? कोई भी इस खेल में कोई पार्ट बजा रहा है तो आप भी उसके साथ भागने या दौड़ने लग जाएंगे क्या? फिर तो डिफरेंस नहीं हुआ दोनों में। अगर हम समझ रहे हैं कि उसने ऐसा बोला तो मैंने भी ऐसा बोला और मैंने बहुत सही किया, फिर तो डिफरेंस नहीं है। वो भागा हम भी भागे ना, वो दौड़ा तो हम भी दौड़े, तो फिर तो कोई डिफरेंस नहीं है। नो मैटर हमें कितना लग रहा है मैं राइट हूं, क्योंकि उसने पहले बोला, उसने पहले किया, बट है दोनों ही सेम। बिगर पिक्चर में दोनों बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना, तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, नीचे गिराने के स्वरूप में नहीं आए, चलो बहुत उठाने के स्वरूप में आए, बहुत ऊपर उड़ाने वाले स्वरूप में आए, तो क्या करेंगे? तो भी देखेंगे ना, देखेंगे कि देखो मन कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है बाहर की चीजों से, अभी बहुत उड़ रहा है, मैं स्टिल हूँ, मैं स्टेबल हूँ। मन किसी बात से बहुत ही खुश हो गया, उसकी कोई आइडेंटिटी है, उसकी कोई पहचान उसने बनाई हुई है, उसमें उस पहचान में कुछ हुआ, अच्छा हुआ, वो बहुत उड़ रहा है। मन के फ्लाइंग स्टेज इज नॉट माई फ्लाइंग स्टेज ना? मन खुश हुआ, नीचे गया, उसके हाईज एंड लोज मेरे हाईज एंड लोज नहीं है। तो देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना, तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई है, उसके रूप को कैच करो,
और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो ना। साक्षी का मतलब ये है देखना, डिटैच हूं तो दिखेगा, डिटैच नहीं हूं तो दिखेगा भी नहीं। साक्षी का मतलब ही है डिटैच, डिटैचमेंट का मतलब ही है कि देखने वाला और जो दिख रहा है वो अलग है। दिख रहा है स्क्रीन पे मिक्की माउस, देखने वाला अलग है, ये है साक्षी दृष्टा। अभी अगर ये देखने वाला ही अलग नहीं है तो इसको कौन देखेगा? सो द वन हु इज सीइंग इज डिफरेंट देन द सीन। सो देखने वाला डिफरेंट है और जो दिख रहा है वो अलग है। ये है परमात्मा का की स्थिति का राज, दिख रहा है वो अलग, देखने वाला अलग, जो दिखाई दे रहा है वो अलग, देखने वाला अलग। तो देखने वाला सिर्फ देखेगा, कैसे नीचे गिराने के लिए आई उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति का को मजबूत बनाने की शिक्षा लेकर आगे बढ़ो। अच्छा, कहीं पर ऐसा होता है कहीं पर ऐसा भी होता है कि माया आई नीचे गिराने के लिए, मन का कुछ हुआ, क्योंकि माया का जो गेटवे है वो सिर्फ माइंड के थ्रू है, थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस इसके ही थ्रू है। तो यहाँ पे कुछ हुआ और अभी करेंटली इसी के फुल्ली इन्फ्लुएंस में है सोल। अब बस हमारी समझ को चेंज करते हैं ना, समझ राइट समझ देते हैं तो हम ये दोनों से सेपरेशन देख सकते हैं कि माइंड अलग है और सोल की स्थिति, इसका नेचर अलग है। तो उसने कुछ ऐसा किया भी जिसमें कभी फ्लो भी हो गए, तो इसमें भी शिक्षा लो। इसमें भी क्या कह रहे हैं, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये रिग्रेट का, गलती का, दिल शिकस्ती का नहीं, इसमें क्या शिक्षा लो ना, शिक्षा लो कि स्व की स्थिति को कहाँ मजबूत, इधर जाके यहाँ पे फ्लो हो गए तो यहाँ पे मजबूती, और यहाँ पे आत्मा को और डीप डीपली एक्सपीरियंस करना है अपने ओरिजिनलिटी को, अपने वास्तविक स्वरूप को और ही डीपली अनुभव करना। तो कहीं पर स्लिप होता भी है तो इट इज अ लेसन, इट इज अ लेसन कि यहाँ पर और मजबूती, यहाँ पे मुझे और गहरा जाना है। तो ये भी बहुत ही वंडरफुल चीज है कि कैसे निराकार शिवा, इनकॉर्पोरियल शिवा, वो आते हैं, एक चैरियट का इस्तेमाल करते हैं, एक रथ का इस्तेमाल करते हैं ना, और वो रथ अव्यक्त मुरली में दादी गुलजार ना, दादी गुलजार इज द चैरियट जिसके थ्रू वो उसका माउथ को यूज करके, शब्दों को यूज करके बोल रहे हैं ना, ट्रुथ सोल्स तक पहुंचा रहे हैं। और दादी गुलजार ना, एक ऑस्ट्रेलिया की बहन, कितने सालों तक वो जब भी जाते थे मधुबन तो उनका रूम नेक्स्ट टू दादी गुलजार होता था। अभी भी है वो बहन, दादी तो नहीं है बट अभी भी वो बहन है, तो उसका कमरा हमेशा नेक्स्ट टू दादी गुलजार ना, और वो हमेशा यही बताती थी कि दादी के रूम से कोई साउंड आती थी तो मैं बाद में जाके मिलती थी, तो दादी टीवी पर मिकी माउस देखना उनको पसंद था, तो मिकी माउस ये कार्टून देखते थे, कार्टून शो। तो कैसे बाबा वेन निराकार शिव आते हैं तो उनकी ब्रेन में जो दादी गुलजार के जो ब्रेन में जो वो इम्प्रेशंस हैं मिकी माउस के, उसको भी यूज करके ही एक्सप्लेन्स द ट्रुथ, उसको उसको यूज करके वो सत्य है ना, सत्य में और क्लैरिटी करते हैं कि वो खेल के जो इम्प्रेशंस है वो करते हैं कि देखो ऐसे ही तो है माया, क्योंकि ही नोज कि माया क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या, सब कुछ उनको पता है, बट ये दुनिया में जो चीजें चल रही हैं उसके आधार से समझाते हैं ना, जो टीवी पे कुछ शो भी चल रहा है उसके आधार पे वो समझाते हैं। दिस इज नॉलेज, ये है नॉलेजफुल सोल की क्वालिटी कि उसके लिए कुछ भी व्यर्थ नहीं है, वो हर चीज को मीनिंग देगा, उसकी जो समझ है वो हर चीज को मीनिंग देगी, इट एड्स वैल्यू। तो ये है नॉलेज, नॉलेज इट इज एन इंटरनल स्टेट,
हम कहें ये व्यर्थ है, ये तो व्यर्थ है, वो व्यर्थ कर रहे हैं, ये सब ये नॉलेज नहीं है ना, ये एरोगेंस है। नॉलेज का मतलब जो इधर भी जो व्यर्थ, व्यर्थ का टाइटल ही नहीं, क्योंकि वो ऐड देगा ना, वो मीनिंग देगा उसको। व्यर्थ कहना तो बहुत आसान है, बट उस व्यर्थ से भी ठीक है, उससे दूर हो गए, मगर उससे हमने क्या नॉलेज ली? आत्मा ने तो उस सीन को भी नॉलेजफुल के दृष्टि से देखा ना। इसी से एक बात याद आती है कि एक बार सुदेश दीदी, जो कि जर्मनी के कितने समय से जर्मनी के हेड हैं, और अभी तो डॉक्टर निर्मला ने बॉडी छोड़ी, सॉरी सोल ने ना पार्ट चेंज किया, तो उसके बाद से अभी ज्ञान सरोवर और सब कुछ ना सुदेश दीदी देख रहे हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया का भी अभी कुछ कुछ। तो उन्होंने शेयर किया कि एक बार ब्रह्मा बाबा जी, 1969 के पहले की बात है, कि वो दिल्ली आए, और दिल्ली आए तो एक भाई था, वो बहुत ही एक्साइटेड था ना, और वो सेंटर पे कुछ प्रोग्राम था उसके लिए जा रहे थे, और उससे पहले उस भाई ने कहा कि बाबा मैं आपको दिल्ली घुमाना चाहता हूँ, दिल्ली दिखाना चाहता हूँ, तो कुछ कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो फिर बाबा भी बैठे, और वो बैठा और दीदी पीछे बैठे, और वो बात बात पे कह रहा देखो बाबा ये है अशोक चक्र, या ये है दिल्ली में जितना सीपी के कनॉट प्लेस के पास ना, देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, तो वो सब कुछ दिखा रहा था, ये वो वाला चक्र है, ये है अशोका मार्ग या समथिंग समथिंग, ये सारा कुछ दिखा रहा था। और दादी दीदी को यही लग रहा था पीछे कि ये कितना, मतलब बाबा की क्या स्थिति है और बाबा की क्या स्टेट है, और ये उनको क्या छोटी छोटी ये यूजलेस चीजें दिखा रहा है, बाबा का इंटरेस्ट भी नहीं है ना, क्योंकि वो तो बहुत ज्ञानी है ना वो दीदी, उनके नजर में कि ये तो इतने ज्ञानी है, ये सब क्या करेंगे, साइट सीन करा रहे हैं उनको, तो क्या टाइम वेस्ट, ऐसा उनको लग रहा था। तो नेक्स्ट डे फिर वो तो सीन खत्म हुआ, किसी को दीदी ने किसी को कहा नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं किया, ये बात उनके मन में थी ना, किसी को शेयर नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे शिव बाबा ना ब्रह्मा के थ्रू, ब्रह्मा के शरीर में आए और उन्होंने मुरली चलाई, तो वो जितने भी सीन्स कल ब्रह्मा बाबा के ब्रेन में रजिस्टर हुए थे, अशोक चक्र और ये वाला मार्ग सारा, उन सब का मीनिंग बाबा ने बताया। ये पीछे भी आई थी एक मुरली जिसमें बाबा ने बताया कि देखो अभी ये तो शोक चक्र है, मतलब अभी तो दुनिया शोक उसमें है, लेकिन ये वास्तव में अशोक मार्ग, अशोक चक्र ना, ये है कॉन्फ्लुएंस एज, ऐसा करके मतलब हर चीज को नॉलेज से रिलेट करके बताया। और फिर मुरली फिनिश हुई तो फिर बाबा ने दीदी को कहा कि कल किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि वो तो दिखा रहा था, वो तो बहुत खुश था, और मैं तो अंदर में सब हर चीज को ज्ञान से रिलेट कर रहा था, ज्ञान की नजर से देख रहा था, लेकिन टाइम वेस्ट सिर्फ आपका हुआ जो आप उधर देख रहे थे ना, किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आप ही का हुआ होगा क्योंकि आपका ध्यान उधर था, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है ना। सो इस तरीके से आत्मा की जो स्टेज है, उससे वो हर चीज से लेसन लेती है, शिक्षा लेती है, जितना साक्षी उतना शिक्षा लेना। जिसका ये एटीट्यूड होता है मुझे कुछ शिक्षा नहीं लेनी है, तो वो साक्षी नहीं है। हर सीन में जहां राइट एक्ट भी हुआ, जहां पे कुछ ठीक भी एक्ट नहीं था, उस लेसन लेना एवरी टाइम, ओके नेक्स्ट टाइम के लिए दिस इज माई लेसन, लेसन दूसरे को नहीं देना, मेरा लेसन क्या था इससे ना। तो ये बाबा कह रहे हैं कि उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो आगे के लिए, और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा लेकर आगे बढ़ो। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही शिक्षा एंड साक्षी ना, लर्निंग एटीट्यूड वैल्यूएबल होगी, क्योंकि जो लर्न कर रहा है वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है ना, वो और जैसे डायमंड को पॉलिश, डायमंड की पॉलिशिंग हो रही है। हाँ सुभाष मार्ग, या सुभाष मार्ग और बहुत सारे, यही था मुरली में ना जो भाई दिखा रहा था, तो वो सुभाष मार्ग, तो हर एक का बाबा ने मतलब बताया था कि शुभ आश, सो दैट दैट इज वेरी नाइस।
बाबा तो हमेशा लर्निंग, हर चीज से रिलेट कर करके लर्निंग, तो ये है। तो अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो बाबा कहते हैं तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव, सिर्फ आज का दिन नहीं है लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है, आत्मा के लिए सदा ही उत्सव है, और उत्साह साथ है। तो आत्मा हर पल जब साक्षी है तो मतलब वो बाबा के साथ है, तो बाबा के साथ है मतलब सेलिब्रेशन इज हैपनिंग, उत्सव चल रहा है, और उत्सव में हमेशा उत्साह साथ होगा। तो इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ दो शब्दों की है, सदा साक्षी हो करके देखना। तो कैसे बाबा ने उस सीन को भी, घूमने जा रहे हैं ना, तो उस सीन को भी साक्षी होकर के देखा और बाबा के साथ बैठ के देखा, तो हर चीज में उनको मीनिंग लगा, मीनिंगफुल। तो ये शिव बाबा कह रहे हैं कि सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। तो ये दोनों चीजें हैं, साक्षी हैं जो दिखाई दे रहा है, अगर देखने वाला जागृत है कि हु एम आई, हु इज द वन हु इज ऑब्जर्विंग, ये देख कौन रहा है, ठीक है सोच चल रही है, लेकिन ये सोच को देखने वाला कौन है ना, सोच कहाँ चल रही है। तो ये जैसे ये ऑब्जर्वर जगेगा, देखने वाला दृष्टा जागृत होगा, जागेगा, तो दृष्टा हर पल सुप्रीम दृष्टा है ना, उसके साथ है, क्योंकि वो तो हर पल दृष्टा ही है। बाबा की तो स्थिति ही ये है ऑडियंस, इस ड्रामा के लिए एक ऑडियंस है बाबा, बाकी सब एक्टर्स तो यहाँ आ जाते हैं, शिव बाबा हमेशा ऑडियंस है इसके प्रति। तो जो आत्मा यहाँ पे रहते भी दृष्टा वाली जागृति में आती है कि आई एम ऑल्सो एन ऑडियंस, तो वो फिर बाबा के साथ है। तो अभी बाबा ये कह रहे हैं कि अभी ऑडियंस सीट में आओ, ये इन्वॉल्व होके प्ले तो बहुत समय किया, बॉल इधर आई तो उधर भागे, उधर गई तो उधर भागे, ये तो इतने जन्मों से किया है, अब लेट दिस प्ले, ये फ्लो होने दो, आप मेरे साथ बैठो। तो बाबा कह रहे हैं ये सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। बाबा के साथी सदा रहेंगे, तो जहां बाबा है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही मायाजीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो बाबा तो सदा साक्षी है ना, और बाबा के साथी सदा रहेंगे। तो ये जो पर्सनालिटी है, ये जो पार्ट है, ये माइंड के इन्फ्लुएंस में है, और अगर ये पुरुषार्थ करेगा ना, जो बीबी के रमेश पुरुषार्थ करेगा, तो ये सदा नहीं रह सकता परमात्मा के साथ ना, ये सदा नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि इसका इसका नेचर नहीं है ऑडियंस, इसका नेचर है इन्वॉल्व होने का, इधर फंसने का, मगर आत्मा इससे साक्षी है तो वो सदा साथी रह सकती है। इट इज, ये पॉसिबल और पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, इम्पॉसिबल की बात नहीं है, आत्मा सदा परमात्मा का साथी, उसकी नजर से तो वो है ना, बाबा तो हर पल आत्मा के साथी है, लेकिन आत्मा भी उस विजन को एक्सेप्ट करे तो वो भी हर पल सदा साथी है। तो इससे क्या होगा कि सहज ही माया जीत, वेरी, बहुत ही सहज है माया जीत होना। और इसमें क्या है कि अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे, तो अभी जो माया जीत है ना, इतना सहजता से है माया जीत, तो वो उसकी जो अबंडेंस की फीलिंग है ना, वो हमेशा भरपूर स्थिति में है, उसकी रियलिटी है भरपूरता। तो अनेक जन्म है ना, नो मैटर कहाँ क्या शरीर ले, बट अनेक जन्म, ये ड्रामा, ड्रामा के सीन्स और प्रॉप्स, ये सब उसकी आवभगत करते हैं, तो इसको कहते हैं जगत जीत ना, जगत जीत, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आत्मा इधर इसमें इसमें फंस नहीं रही, वो अपनी रॉयल्टी में है और वो अपने डिविनिटी के नेचर में है, तो ये सब कुछ
ना, पूरा कॉन्कर्ड है ऑलरेडी, जीता हुआ है ना, उसका एटीट्यूड ये है कि मैं ऑलरेडी विनर ना, हर सोल विनर है माया के लिए, ये फाइनल स्टेज है कि माया खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब कौन जीता कौन विनर है, हर एक आत्मा। लेकिन अभी इस वक्त ये एटीट्यूड रहे, ये विनिंग एटीट्यूड, अभी ड्रॉ करने का तो टाइम थोड़ा नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। तो बाप के साथी सदा रहेंगे, तो जहां बाप है तो साक्षी होकर के देखने से सहज ही माया जीत बन, अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो अकेले अकेले बैठ के नहीं सीन को देखते रहना है, डरते रहना है, अकेले नहीं, ऑडियंस है हमारे साथ, एक और है जो कि हर पल देख रहा है और बहुत ही इंजॉय कर रहा है, उसके साथ बैठ के देखो ना, अकेले अकेले हम ही देख रहे हैं, फिर डर रहे हैं, फिर फंस रहे हैं, ये नहीं, सोल अकेली नहीं है ना, अभी उसके पास, यही बाबा कह रहे हैं कि अकेले नहीं हो, तो समझा क्या करना है। हाँ, अभी बाबा आगे बोलते हैं कि समझा क्या करना है, स्वयं बाबा हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तो हमेशा देख ही रहा हूं, मैं कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मैं तो देख ही रहा हूँ। हाँ, मैं ऑडियंस की सीट पे हमेशा बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो ये थिएटर है, थिएटर पे वो ड्रामा चल रहा है, ड्रामा स्टेज, और परम धाम में है ना, जो ऑडियंस की सीट है उसमें एक हमेशा बैठा हुआ है। और अब वो गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, गोल्डन ऑफर दे रहे हैं कि कि हर पल आपको मेरे साथ रहने की गोल्डन ऑफर है, स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, तो ये है गोल्डन ऑफर। तो आप सोचो कि ये गोल्डन ऑफर बाबा दे रहे हैं और ये आत्मा उसको स्वीकार करे और ऑडियंस की सीट पर बैठे, तो ऐसा हो सकता है कि पार्ट के लेवल में नुकसान हो जाए। गॉड कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, परमात्मा गॉड एक ऑफर कर रहा है, उस ऑफर से किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर पर, रिश्ते नाते दुनिया जहान दीन दुनिया सब कुछ, लोक लाज हर चीज, कभी नुकसान हो सकता है? ये गॉड का ऑफर है, ये कोई दोस्ती यारी, ये कैजुअलिटी का ऑफर नहीं है। तो ऐसे नहीं, माया क्या बोलती है, माया बोलती है कि अच्छा फिर पार्ट कौन प्ले करेगा, फिर निर्णय कौन लेगा कि क्या करना है अगले साल ना, प्लान कौन बनाएगा, वो तुरंत बोलेगी, और आत्मा तुरंत हो जाती है कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं, फिर तो हम तो ऑडियंस ही बने रहेंगे, फिर डिसीजन कौन लेगा। ये बहुत ही चतुराई का गेम है ना, माया कितनी चतुर है, उसको पता है कि अभी भी ये कहाँ फंसे हुए हैं, तो वो वहां से लाती है थॉट्स। तो अब इसका एंटीडोट क्या है, हर बार ये थॉट आए ना तो बोलो ये कोई वादा, ये ऑफर कौन कर रहा है, ये भगवान ऑफर कर रहे हैं, गॉड इज ऑफरिंग, ये कोई नेता या कोई ऐसा नहीं ऑफर कर रहा है, गॉड इज ऑफरिंग कि मेरे साथ हर पल रहो, और फिर देखो कि कैसे ये डिसीजन, कैसे जो भी सब कुछ है वो कितना, वो कैसे ब्यूटीफुली प्ले होता है। अभी करके देखा ना, सारे डिसीजन खुद ही लेने हैं, प्लान करना है, मुझे सोचना है, ये अभी तक इतने टाइम से यही तो करके देखा है, सब कुछ अपनी बुद्धि लगा के, अपना सब कुछ लगा के देखा ना, उसके बाद भी कंटेंटमेंट ना, एक-एक को पता होगा अपना ना, एक-एक को पता होगा अपना कि कभी भी कोई रिग्रेट आता है नहीं आता है, वो सबको अपना अपना देखना है। तो अभी परमात्मा कहते हैं आओ मेरे साथ बैठो, मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करो, मेरे मन का इस्तेमाल करो, और फिर देखो तुमको कहाँ सोचना पड़ता है, कहाँ डिसीजन लेना पड़ता है, तो लेट्स डू दिस ना, प्रोग्राम अपना हर एक को बना के ये करना है ना, करना है, करना है के भान से नहीं, डूअर के भान से नहीं, मुझे देखना है, जैसे वो देखता है वैसे मुझे देखना है। कुछ टाइम तो डेफिनेटली ऐसा फिक्स करें जिसमें बाहर के पार्ट के भी डिस्ट्रैक्शन से जहां थोड़ा ऊपर हो सकते हैं, जहां पे रमेश इज फ्री, जहां पे भी रमेश इतना बिजी नहीं है, उसका मौका लीजिए, आत्मा उसका मौका ले, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो पार्ट है ये 24 घंटे में से इसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना, हर घंटे के बाद 5 मिनट निकाल सकते हैं, या हर घंटे के बाद 2 मिनट निकाल सकते हैं,
11 बजे से रात के 8 बजे तक, 2 2 मिनट हर घंटे के बाद निकाल सकते हैं, बीच में कर सकते हैं जब भी। हाँ, एंड में नहीं, बीच में भी, किस कोई आवर स्टार्ट हो रहा है, जब भी गाड़ी चलाने बैठे हैं उससे पहले, तब फ्री है, 1 मिनट पॉज ले सकते हैं। तो डू दैट, एक अपना प्रोग्राम बना के कि कंप्लीट ऑब्जर्वर, बाबा बैठे हैं वो तो सदा ही ऑडियंस की सीट पे हैं, मैं भी बैठ के, तो ऐसा प्रोग्राम कुछ 6 7 मिनट का, दिन में 6 7 बार, या दिन में 10 बार 2 2 मिनट का, ठीक है, 10 बार 2 2 मिनट का ऐसा। फिर सुबह और शाम को जब कभी भी कोई बाहर से डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तब 15 मिनट बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं ना, सुबह बैठ सकते हैं 15 मिनट, शरीर को बिठा सकती है आत्मा, शाम को भी बैठ सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं। ये खुद से ये करना है ना। और फिर दिन भर में भी सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं, फिर दिन भर में भी जब जब कुछ हुआ तो फिर कम ऑन, है ना, कहीं पे लग रहा है अटैचमेंट, अटैच फ्लो हो रहे हैं, पासिंग एनर्जी आ रही है और मैं बहती चली जा रही हूँ, टेक अ ब्रेक। ब्रेक मतलब विड्रॉ, अंदर से बुद्धि का चेंज, ठीक है। तो कौन कौन करेगा ये अभी से, ठीक है, कौन कौन करेगा ये, कौन बनाएगा इसको और फिर चेक भी करेगा। हाँ, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। सभी, हाँ, सभी करके देखिए। हाँ, कर रहे हैं, है ना, वेरी नाइस। तो इसीलिए स्वयं, तो समझा क्या करना है, स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। नहीं, इट डजंट मीन वी डू नथिंग, क्योंकि वो तो फिक्स्ड सीडी तो प्ले होगी ना। वी डू नथिंग नहीं, वी यहाँ पे ना, वी डू नथिंग मतलब सेंस इज द पर्सनालिटी, इसका मतलब हो रहा है कि राकेश डज नथिंग, तो आई एम नॉट राकेश ना, तो आई डिटैच, मैं इससे बाहर आऊंगा और फिर देखूंगा कि राकेश का कैसे चल रहा है, तो क्या करना है राकेश के लेवल पे, वो भी क्लिक होगा। सो वी डू नथिंग से मतलब हो रहा है कि राकेश को कुछ नहीं करना है, बट मैं राकेश नहीं हूं ना, दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टर, वो तो एक कैरेक्टर है। तो देखो हमारा कितना सेंस ऑफ आई, कितना सेंस ऑफ मी, कितना स्ट्रांग रहता है इस कैरेक्टर से, इस किरदार से। हाँ, शरीर वॉक कर रहा है बट सोल को कंप्लीट अवेयरनेस है कि मैं नहीं वॉक कर रही हूं, मैं नहीं हिल रही हूँ। सोल, शरीर वॉक कर रहा है, सोल भी, जैसे शरीर खाना खा रहा है, आत्मा भी खाना खाती है क्या? आत्मा के हाथ पैर हैं जो वो वॉक करेगी। सो ये जैसे थोड़ा थोड़ा ना, हर बार थोड़ा थोड़ा ये जाता रहे कि हाँ, राकेश इज वॉकिंग, हाँ राकेश, अनन्या इज स्पीकिंग, सोल बैठी है, ये हाथ पैर चल रहा है, मेरे हाथ पैर नहीं है, मैं बैठी हूँ, स्टिल हूँ, बैठी भी क्या हूं, बैठने का कोई चेयर थोड़ी है, मैं तो हूं, ऐसे करके। हाँ, सो इसलिए सदा साथ रहो, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं, वो इसलिए साथ नहीं रहते कि वहां बंधन में ना बंध जाए, स्वतंत्र रहें, है ना। किसी किसी का नेचर होता है, उनको नहीं पसंद कि बहुत ही किसी के साथ रहे, अकेले अकेले रहना पसंद है। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन जो ये साथ है ना, इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र है, बंधन नहीं अनुभव होगा, है ना। तो इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र है, बंधन नहीं अनुभव होगा। तो ऐसे एक बार याद आता है, शायद ये मुरली थी या कोई और मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा कि बाबा ऑफर करते हैं, आई थिंक यही थी कि जिसमें बाबा ने कहा कि मैं ऑफर करता हूँ कि सब मेरे साथ रहो ना, सदा मेरे साथ रहो, सदा भी नहीं, बाबा ने इसमें तो कहा है सदा, बट उसमें बाबा ने कहा कि मैं ऑफर करता हूँ कि मेरे पास बैठो, मेरे साथ रहो ना, तो फिजिकली जाके सोल को नहीं, बट डिटैच्ड ऑब्जर्वर,
आत्मा जो है साक्षी है, फ्लो नहीं कर रही है, जो पासिंग सीन्स आ रहे हैं पासिंग एनर्जी में बह नहीं रही है। तो ये बाबा ने ऑफर किया। फिर इसके बाद कुछ महीने बाद फिर बाबा ने मुरली चलाई और बाबा ने कहा कि मैंने गोल्डन ऑफर करी और एक भी बच्चा नहीं था जिसने उस गोल्डन ऑफर को एक्सेप्ट करके मेरे साथ आकर बैठा। बाबा ने कहा कि बाबा ने देखा फिर भी सब उसी पार्ट में, उसी में इन्वॉल्व, उसी में बहते जा रहे। तो ऑफर करने के बाद ऐसा भी था ना, ये सूरज भाई ने शेयर किया था कि उसके बाद भी नहीं लिया ऑफर, एक ने भी नहीं लिया। हाँ ऐसा बाबा ने कहा, अमृत वेले से हमने देखा। तो हाँ ये मुरली है 16th Feb 88, 16 फेब्रुअरी 88, 1988। तो ये है खेल, खेल को देखने की विधि कि खिलाड़ी अलग है, खिलाड़ी देख रहा है बॉल आई बॉल गई है ना, और खिलाड़ी जो है वो बस दिशा दे रहा है बॉल को और वो उसको स्मृति है पल पल की, ये खेल है। है ना, तो इसीलिए पल पल ये स्मृति रखना की, और पल पल स्मृति रखी नहीं जाती है एक्चुअली, स्मृति तो जो रहती है उस अनुसार संकल्प और फीलिंग्स आती हैं पल पल। तो लेकिन आत्मा अपने सत्य में दृढ़ता से रहे, स्थिर रहे ना, तो अंदर भी खेल को देखना है कि ये जो मिकी माउस के सब आ रहे हैं ना, ये जो कैरेक्टर सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये विनी और सब कुछ, डोनाल्ड डक, ऐसे ही अंदर में देखना है कि देखो ये आया मिकी आया, ये आई मिनी आई ना, ये देखो आया। जैसे हम मोह को, लोभ को, एंगर को, इन शब्दों को के पीछे ना बहुत एक एनर्जी ऐसी रहती है कि विकार और बहुत ही बुरा और बहुत ये, तो इसीलिए बाबा ने इसको कहा कि खेल की तरह मिकी माउस का खेल देखो। सो एंगर और इन सब को देखने की बजाय जस्ट बहुत ही, जब हम एंगर को एंगर के रीति से देख रहे हैं तो इसका मतलब हमें वो बुरा दिखेगा, क्योंकि मन से अटैच होके हम गुस्से को गुस्सा देख रहे हैं ना। लेकिन बड़ी पिक्चर में क्या, ऊपर से देखो तो गुस्सा भी एक एक जस्ट एक कैरेक्टर है, अटैचमेंट भी जस्ट एक कैरेक्टर है, कुछ बुरा कुछ ये ना, ये जो बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिटीज की वजह से कि ये पाप है ये है, तो एनर्जी जो आती है ना, तो इसलिए इसको सब ऐसे कैरेक्टर्स ना, कि ये एक मिकी है, ये मिनी है, ये डक है, और ये आता है और ये ऐसे करता है और चल जाएगा। बाद में करना नहीं है कि वो सीन चला गया अब हम देखें कि वो माया आई थी चली गई, ये थोड़ा लेजीनेस है, ये अलबेलापन है कि चीज आई तब नहीं जागृत है, चली गई और बुरा लग रहा है तो अब उसको कह रहे हैं कि ये माया थी, ये लेजीनेस है। लेकिन इस सेकंड अवेक होकर ये आ रहा है, मैं अलग ना, खिलाड़ी अलग, देखने वाला अलग, दिखाई दे रहा है ये अलग। हाँ इंटरनल ड्रामा देखना है और बाहर ड्रामा ऑटो मोड पे हमें रहेगा है ना, और वो भी सही तरीके से। हाँ माइंड अगर कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, गलत सोच रहा है, गलत जो भी, तो आत्मा जब उसको ऑब्जर्व कर रही है तो वो गलत की फीलिंग मर्ज होगी, और आत्मा अगर उसको उसमें इन्वॉल्व है तो उसको गलत गलत लगेगा। लेकिन सोल की दृष्टि से जब हमारी अवेयरनेस है तो गलत गलत नहीं लगता है, हर चीज क्या लगेगा, हर एक चीज अलग, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, डिफरेंट पासिंग एनर्जी है ना। तो राइट एंड रॉन्ग में जब हम चले जाते हैं कि ये गलत है ये सही है, तो दैट मीन्स मैं थोड़ा सा कॉटअप हो गई हूँ मन के साथ, आत्मा ऑलरेडी एक लेवल पे फंसने का उसका ये पहला कदम ले लिया है उसने। तो मन कुछ गलत कर रहा है, ओके गलत दिखा, फिर मैं जैसे डिटैच जैसे डिटैच, तो वो उसका गलत, जो जैसे कहते हैं ना बच्चा कोई शरारत कर रहा है, उसको 4 बार बोलो कि छोड़ो छोड़ो तो वो नहीं छोड़ता है, वो कुछ उठा के खा रहा है। लेकिन जब उसको देखो, कुछ बोलो नहीं, अच्छे से प्यार से देख रहे हैं,
मदर अपने मदर के स्वरूप में खड़े होके देख रही है, तो वो अपने आप छोड़ देता है, अपने आप आ जाता है। सो इंटरवीन करना मतलब आई एम ऑलरेडी कॉट अप, और जब डिटैच है तो वी डोंट अलाउ, लेकिन अगर मैं डिटैच हूं तो उसका गड़बड़ चलेगी नहीं। अगर मैं आत्मा डिटैच हूं, मन के जो भी बुरा चल रहा है, जिसको हम बुरा बोल रहे हैं, डिटैच हूँ तो वो फिनिश हो जाएगा, और डिटैच नहीं हूं, इन्वॉल्व हूँ, तो वो बढ़ता हुआ दिखेगा, घटता हुआ दिखेगा, और दोबारा कल फिर वहीं से वो स्टार्ट करेगा, ये सब होगा। और जब मैं डिटैच्ड हूँ तो फिर वो इंटरवीन नहीं किया है तो वो अपने आप एक पासिंग एनर्जी की तरह चला जाएगा, ना हम उसको पकड़ रहे हैं ना ही उसको भगा रहे हैं, अपने आप वो चला जाएगा। सो डजेंट सोल ईट थ्रू बॉडी, टेस्ट सी एंड स्मेल? नहीं, सोल नहीं टेस्ट करती है ना? सोल उसकी भासना जरूर लेती है, बट सोल के पास ना नाक है, ना कान है, ना टेस्ट है टेस्ट करने के लिए ना। टेस्ट बर्ड्स तो बॉडी के पास है। तो सोल का तो जो स्वरूप परमात्मा का है, वही स्वरूप आत्मा का है। थ्रू बॉडी भी डिफरेंट थिंग है। सो यहाँ पर एक है, जैसे कि यू मेंशन दैट द ड्रामा इन सीडी इज प्री रिकॉर्डेड एंड इज ऑलरेडी फिक्स्ड, सो व्हाट आर वी डूइंग एंड हाउ इज दैट कंट्रीब्यूटिंग टू आवर कर्म? अच्छा, ये क्वेश्चन या ये देखा था, तो इसमें इस क्वेश्चन में ना देखिए, अभी तक जो जब कोई चीज पास हो जाती है तो ये सेकेंड भी बीत गया, इट्स ड्रामा, इट इज ड्रामा, और ये नॉलेज भी है कि आगे भी सब कुछ जो होगा वो ड्रामा के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना? बट नाउ दैट इस मिनट में जब आई हैव द नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा भी बोले, है ना, तो लॉ ऑफ कर्मा भी क्या है कि जहां जहां पे मैंने कुछ झूठी आइडेंटिटीज पकड़ी हुई है वो जाएंगी, है ना, उसको वो खत्म होंगी। तो मेरे लिए जो जिस क्षण से अवेयरनेस है वो सेकेंड इज फर्स्ट सेकेंड, ठीक है? तो उस फर्स्ट सेकेंड से हमें स्टार्ट करना है। ये मेंटली फंस के पास्ट एंड फ्यूचर में हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते इन चीजों को ना। सो जिस सेकेंड से दैट अवेयरनेस हैज कम कि इट इज यू नो, नॉलेज तो है कि ड्रामा इज फिक्स्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सो व्हाट आर वी डूइंग एंड हाउ इज दैट कंट्रीब्यूटिंग टू आवर कर्मा? नॉलेज है बट वो प्रेजेंट वक्त में उसकी अवेयरनेस नहीं है, तो इसीलिए कर्म जो है वो डिफरेंट रीति से बनते हैं। जब ड्रामा फिक्स्ड है बट इसकी अवेयरनेस नहीं है तो कर्म कैसे बनते हैं? किसी ना किसी आइडेंटिटी में फंस कर, चिपक कर, आई एम डूइंग एन एक्शन, तो इसका कॉन्सिक्वेंस आएगा ही आएगा। बट इस सेकेंड से दैट अवेयरनेस अराइजेस सत्य की, कि मैं ये जो ड्रामा है ये फिक्स्ड है, और इस अवेयरनेस से जो कर्म भी करेगा पार्ट के थ्रू तो वो किसी आइडेंटिटी में फंस के नहीं होगा, तो उसका कॉन्सिक्वेंस फिर उस हिसाब से आएगा ना। सो दैट इज हाउ लॉ ऑफ कर्मा इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जो जो चल रहा है ना। तो ये गेम है, हर प्लेयर ने अपने अपनी पोजिशन से गेम स्टार्ट किया है, ठीक है? अब वो क्यों उसी पोजीशन से, जैसे बैट्समैन को बैट्समैन ही क्यों बनाया है, अब इस पे ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। 11 प्लेयर्स हैं, 11 अपने अपने पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ड्रामा में, ये खेल में ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट है। उसमें हम कितना भी लॉजिक में जाएं, एक हद के बाद लॉजिक से परे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो लॉजिक्स डिमांड हो रहे हैं वो बहुत ही एक लिमिटेड विजन पे है। ओके, सो जहां से भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर तनु के उससे है तो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से व्हाट इज माय अवेयरनेस? क्या तनु का जीवन मुझे पूरा लाइफ लगता है रियल, यही अलाइव है, और सोल का जो सोल की जो रियलिटी है वो बिल्कुल डेड है? तो फिर कर्म उस हिसाब से होंगे और उस हिसाब से फिर कॉन्सिक्वेंस भी आएगा। मगर इधर से मेरा स्टार्टिंग पोजिशन इज राइट कि सोल
की क्वालिटीज, और ये एक पार्ट है जो कि इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे मेरी अवेयरनेस है नॉलेज के बेस पे, तो वैसे फिर कर्म होंगे और उसका वैसा कॉन्सिक्वेंस आता है ना। सो दैट इज, ये लॉ ऐसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए। कल भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। ओम शांति। थैंक यू, ओम शांति।